तो भाई आप सब लोग हेलो, अमन, अविरल, कार्तिकेय, प्रेसी, हर्ष, रिचि, अरुषि, हरनायक, जगृति, अरुषि भटनागर, गुरु। देखिए बेटा, वी आर स्टार्टिंग आईटी जैम 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं। 21, 22, 23 पहले करेंगे, फिर ऐसे गेट करेंगे, फिर नेट करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे इनका, राइट? सो वी विल सॉल्व ऑल 10 ईयर क्वेश्चंस, है ना, विद इन द बेस्ट ऑफ द क्वालिटीज, अच्छी सी क्वालिटी में करेंगे बहुत। करा जाए शुरू भाई, सब आ गए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ आई डी रैंडम वेरिएबल्स विद डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 1, 0 एंड एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, देन वैल्यू ऑफ दिस बताना है बेटा। तो यहाँ ये लेस देन इक्वल टू 1+1/√n है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। अगर लॉन्ग मेथड की बात करूं तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। वाई इज इक्वल टू, हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस लॉग एक्स। और आपने किया है कि नहीं किया ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे से सीखा है कि नहीं सीखा मुझे पता नहीं है। आपको आना चाहिए एफ ऑफ वाई, क्या करोगे बेटा यहाँ पर, एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू डाल दो बेटा यहाँ पर। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड इन टू डी बाय डी वाई ऑफ जी इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला है, सबको पता है ये फॉर्मूला बच्चों? हेलो ऑनलाइन वाले बच्चों, डू यू ऑल नीड द फॉर्मूला, नो द फॉर्मूला? तो क्या आ जाएगा बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद एफ ऑफ वाई, तो यहां से एक्स निकलेगा, तो माइनस लॉग एक्स को एक्स की पावर -1 कर देते हैं। 1/x इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई, तो एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -y, यही आ रहा है बेटा। तो फंक्शन में रख दो, तो आई थिंक यू हैव, दिस इज द फॉर्मूला, ई की पावर -y इनटू, अच्छा वो दो 1 आएगा यहाँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन आती है ना सबको। तो एक्स तो कांस्टेंट है, 1 है, इनटू डी बाय डी वाई ऑफ ई की पावर -y का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आंसर इज ई की पावर -y ओनली, वेयर वाई इज आल्सो फ्रॉम 0 to 1। कैसे चेक कराऊं आपको ये, 0 to इन्फिनिटी लिमिट देखिए बेटा, यहाँ पर लिमिट भी निकाल देता हूँ। अरे कोई तो बच्चा बोलेगा कि हाँ सर ये तो आसान है, आता है,
एक्स की लिमिट जीरो होगी तो वाई बोलेगा माइनस लॉग जीरो, लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी होता है तो माइनस माइनस इन्फिनिटी हो गया। एक्स वन होगा तो माइनस लॉग वन होगा, लॉग वन जीरो होता है, दैट्स वाई जीरो से इन्फिनिटी। तो मीन्स वाई फॉलोज एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर वन। तो अब आगे से कुछ बात याद रखिएगा बच्चों, याद क्या रखिएगा आगे से, कभी भी एक्स फॉलो करे यू जीरो वन तो याद रखिएगा कि माइनस थीटा लॉग एक्स हमेशा फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल वन बाय थीटा। जैसे कि यहां पर अभी यू जीरो वन, सॉरी, अगर एक्स फॉलो करे यू जीरो वन तो स्टूडेंट्स थीटा को माइनस वन कर दिया, तो वन कर दिया तो माइनस लॉग एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल वन। ऐसे ही एक्स फॉलोज यू जीरो वन तो माइनस टू लॉग एक्स फॉलोज विच डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल वन बाय टू एंड सिमिलरली फर्दर। तो ये आप याद रखेंगे तो ये स्टेप आपका टाइम खराब नहीं करेगा। हाँ जी, क्लियर है बच्चों ये बात? अब हमसे मांग रहा है माइनस वन बाय एन समेशन लॉग एक्स आई, तो माइनस वन बाय एन समेशन लॉग एक्स आई कर लेते हैं। चलिए आगे सॉल्व, आगे चले, लिख लिए यहां तक बच्चों? अच्छा, मैं अपने ऊपर ही लिख दे रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा वो आपको। हाँ, सो इधर लिखेंगे थोड़ा सा। सो वाई था हमारा माइनस लॉग एक्स आई, वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर वन, एंड वी नो दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई व्हिच इज माइनस लॉग एक्स इज आल्सो वन एंड द वेरिएंस इज आल्सो वन। तो अब आप बात करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन लॉग एक्स आई, तो व्हिच इज एन एंड वेरियंस ऑफ समेशन लॉग एक्स आई विच इज ऑल्सो एन। हाँ जी बच्चों, एन स्क्वायर होगा कैसे मेरे बेटा, बता जरा बेटा। माइनस लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है, आपने पढ़ा होगा अगर एक्स का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन वाई क्या होता है, इट इज एन टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा ना, ये समेशन एक्स भी करोगे तो एन टाइम्स से तो आएगा बेटा वन। ऐसे ही वेरियंस का भी आएगा, वेरियंस ऑफ समेशन एक्स आई इज एन टाइम्स वेरियंस ऑफ एक्स, करेक्ट है ये बात? हाँ भाई, तो एन ही आएगा ना बेटा, क्यों भाई हो? ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पूछा था, बताओ, क्वेश्चन पे आ जाओ अपने पे, कुछ पूछ रहा था, कहाँ गया, पीछे रह गया मेरे पास। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है लिमिट एन टेंड्स टू माइनस, अच्छा, वन बाय एन लिमिट, वाइट कर लेता हूं इसको, लिमिट, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपका, लिमिट एन टेंड्स टू माइनस वन बाय एन समेशन लॉग एक्स आई इज लेस देन क्या है बेटा, वन प्लस वन बाय रूट एन। हाँ जी, करिए इसको स्टैंड नॉर्मल में कन्वर्ट करिए सारे बच्चे, जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। मैंने तो समेशन लगा लिया, एन से मल्टीप्लाई कर दो जीरो भी आ जाएगा आपका। नहीं, वो तो मैं बताया था आंसर तो आपको। अरे कर लोगे, नहीं कर पाओगे? हाँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, माइनस को लिया था मैंने तो सिर्फ, माइनस समेशन लॉग एक्स आई
एन को वहां मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एन अपॉन रूट एन एन टाइम्स प्लस वन बाय रूट एन एन बाय रूट एन माइनस एन अपॉन रूट एन। करो क्या आया भाई सब कुछ, जेड लेस देन इक्वल टू जीरो आता है क्या? नहीं आता लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी करने पे। चेक करो वन बाय रूट एन बचना चाहिए, बच रहा है कि नहीं बच रहा वो देखो आप। लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी लगा दो इस पे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, तो वो जीरो आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन इक्वल टू जीरो हाफ होता है बेटा। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना बस आप। अभी हो गया पहला क्वेश्चन। बन बन रहा है तो गलती कहीं की है मैंने। ये वन प्लस वन बाय रूट एन नहीं था ना क्वेश्चन में तो? हाँ यही है, माइनस वन बाय एन समेशन लॉग एक्स आई। रुक जाए फिर मैं अभी कर देता हूँ बेटा। ठीक इसको तो इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड डू लाइक दिस, गड़बड़ कर दी और आसान कर देते हैं इसको। सीधा एक्स बार का ही फॉर्मूला लगाए थे ना, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स आई तो वन है, तो समेशन माइनस लॉग एक्स आई अपॉन एन को एक्स बार बोलते हैं। अरे बोलो भाई, फिर वन आ जाएगा। हाँ, और इसका माइनस समेशन लॉग एक्स आई अपॉन एन आएगा वेरिएंस ऑफ वाई बाय एन, तो वन बाय एन आ जाएगा ना अब तो। ठीक है, जेड इज लेस देन इक्वल टू वन प्लस वन बाय रूट एन माइनस वन अपॉन रूट एन, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? अब कोई गड़बड़ है? कैसे अब भी तो वन ही आ रहा है। हाँ नहीं, अच्छा वन ही ऑप्शन क्या है क्वेश्चन की? वन ही है क्या ऑप्शन? ना आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए आना चाहिए आंसर तो बेटा, हाफ आना चाहिए आंसर तो करेक्ट इसका। बी आ रहा है तो देखो कुछ गड़बड़ है। ये तो सब ठीक किया है मैंने, एन फॉलो जीरो वन भी ठीक किया है, माइनस लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल वन भी ठीक किया है। बी ही आंसर है, फिफ्थ का करेक्ट आंसर है। पीछे देखो उसमें आंसर क्या है उसमें। अरे बी आंसर है क्या? नहीं उसके की में होगा ना कहीं पे, आपके पास होगी की शायद, पता नहीं मेरे को इसने जिन मैडम ने हाफ मार्क करके दिया है ये तो। बस फिर ठीक है हमारा आंसर, फिर ठीक है मैडम ने हमें गलत बताया। चलो जी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओहो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, किया किसी बच्चे ने क्वेश्चन। देखो यूनिफॉर्म का हमें कोरिलेशन बताना है, देन 48 रो स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x फॉलो करता है बोर्ड पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आ जाओ बोर्ड पे देखो सारे बच्चे। मेरे पास मैडम ने गलत दे दिया आंसर मुझे। x फॉलो करता है u01, तो हमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन बताना है किसका बेटा, एक्स स्क्वायर का है? तो क्या जरूरत है हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताने की, हम नहीं बता रहे। हमें क्या मांगा है क्वेश्चन में, पहले कोवेरियंस निकालते हैं एक्स का वाई से, तो कोवेरियंस निकालते हैं एक्स का एक्स स्क्वायर से। क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई तो एक्स क्यूब माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे ठीक है बेटा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना होगा इसका मेरे बेटा,
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो, जल्दी से बताओ, मैं कर देता हूं। चलो यार तुम छोड़ो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो ए प्लस बी बाय टू हाफ ही होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो एक्स क्यूब बाय थ्री 1/3 होना है बेटा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब होगा मेरे बेटा 0 से 1 एक्स क्यूब डीएक्स, तो 1/4 होगा ये, तो वैल्यू पुट करो 1/4 -1/2 -1/3। क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करके जल्दी से बताया कोई बच्चा, कोवेरियंस। थैंक यू। अब बताओ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोवेरियंस तो आ गया ना मेरे बेटा अपने पास, तो कोवेरियंस तो अपने पास आ गया। अब अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स तो यूनिफॉर्म है, अंडर रूट वेरियंस ऑफ वाई, वाई हमारा एक्स स्क्वायर है। जी बेटा, अब वेरियंस ऑफ एक्स स्क्वायर और निकालना है आपको। निकालूं बेटा, साथ साथ सॉल्व करने की भी रखी है ना। सो सो 1/5 -1/3 का स्क्वायर आएगा, विच इज 4/45। पुट कर दो वैल्यू इसमें, 1/12 वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आया था बेटा हमारा, 1/12 बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 12 और 4/45। हाँ बेटा आ तो गया डायरेक्ट 1/12। अब बताना जल्दी से, कैलकुलेशन पेन चला, थोड़ा कुछ चला, क्या आंसर आ रहा है कट के इसका। ये आंसर क्या है जल्दी से बताओ, फिर आंसर निकालते हैं फटाफट। हमें बताना है 48 टाइम्स कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, तो 48 टाइम्स कोरिलेशन की वैल्यू चाहिए मुझे बच्चों तुमसे, सिर्फ रूट में क्या आ रही है बताओ वैल्यू जल्दी से, रूट में आ रही है बिना रूट के आ रही है, देखो जल्दी से जो भी आ रही है। अरे आरुषि तुम भी नहीं कर रहे क्या क्वेश्चन बेटा, आशीष परिधि सर 45/48 आएगा तभी बी ऑप्शन आएगा बेटा, तो ये आंसर आ गया हमारा। हो गया कैलकुलेशन समझ में आ गई कैसे की। जागृति ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया बच्चों समझ में आया, अमृत टिके रहना है भाई, सॉल्व करके हेल्प करनी है सॉल्व करने में, मैं तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं जो कर रहा हूं, थोड़ा बहुत भूमिका सी बनाया होता हूं बस, बाकी बैठे नहीं मेरे पास। आ जाओ मजा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे ये तो आसान क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ना, देखो चलो चालू करते हैं कुछ। देयर आर थ्री अर्न्स, लो भाई फोटो बनाते हैं, अर्न वन अर्न टू और अर्न थ्री। ओके, अर्न वन कंटेन्स टू व्हाइट एंड टू ब्लैक, टू ब्लैक एंड टू व्हाइट। अर्न टू कंटेन्स वन व्हाइट एंड थ्री ब्लैक, वन व्हाइट एंड थ्री ब्लैक। ओके, अर्न थ्री कंटेन्स थ्री व्हाइट बॉल्स एंड वन ब्लैक, थ्री व्हाइट एंड वन ब्लैक। ओके, कंसिडर टू कॉइन्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग हेड इन देयर सिंगल ट्रायल इज 0.2। अच्छा, सो पी वन प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग कॉइन वन, उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी, कॉइन टू को टॉस करूंगा उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी। ओके जी, सिंगल ट्रायल। ओके, द टू कॉइन्स आर टॉस्ड इंडिपेंडेंटली वंस, एक बार टॉस करना है, एंड आर अर्न इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। अर्न वन इज सिलेक्टेड, टू हेड्स आर ऑब्टेन्ड। अरे दो हेड, तो मतलब 0.2 प्रोबेबिलिटी अर्न वन इज सेलेक्टेड
जब इस पे भी हेड आएगा इस पे भी हेड आएगा तो 0.6। प्रोबेबिलिटी अर्न टू इज सिलेक्टेड, वन सेलेक्ट हो गया, अर्न थ्री सिलेक्टेड टू टेल्स, अर्न थ्री इज सिलेक्टेड टू टेल्स, तो टेल्स में 0.8 इंटू 0.7 कितना हो गया बेटा? समझ में आ रहा है मरते है? अर्न टू इज सिलेक्टेड अ बॉस डोंट, क्या था भाई अर्न टू के लिए कहा? टू टेल्स आर ऑब्टेन अदरवाइज अर्न टू इज सिलेक्टेड अ बॉल इज देन ड्रॉन, अदरवाइज मतलब हेड टेल आएगा तो किसी में भी। क्यों भाई? अरे हेड और टेल आना चाहिए ना, तो हेड की प्रोबेबिलिटी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरह का। अब पहले वाले में हेड आया तो दूसरे वाले में टेल आया, तो 0.7 कर दूं बेटा। पहले वाले में हेड, इसमें हेड आया और इसमें टेल आया, तो 0.8 कर दूं बेटा। करेक्ट है ना? अब 7 × 2 = 14, 0.14 प्लस 8 × 3 = 24, 0.24, 0.36 आया क्या? अब क्या मांगा है भाई क्वेश्चन में अमरते? ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम देन द प्रोबेबिलिटी अर्न वन इज सिलेक्टेड द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, बेस थ्योरम। अच्छा तो व्हाइट बॉल, तो पहले ए इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। आ जाओ बच्चों, बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम के लिए पहले टोटा बॉडी लगती है। व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, अब ध्यान से देखिएगा प्लीज, तो यहां से यहां आते हैं पहले व्हाइट बॉल, अर्न वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न नंबर वन विच इज 2/4, मतलब 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न नंबर टू विच इज 1/3, करेक्ट है ना बेटा? 1/4 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न नंबर थ्री, 3/4 ना। अरे बोलो ठीक लिखा ना मैंने ये? अब आ जाओ, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज, फर्स्ट फर्स्ट गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न नंबर वन, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अर्न वन। गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न नंबर टू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अर्न टू। एंड गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम अर्न नंबर थ्री एंड इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू थ्री। तो दिस इज हाउ वी गेट द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ए यू 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ यू 1.6, 1/4 इंटू 0.36, 1/3/4 इंटू 0.56। बेटा कोई आंसर बताया कोई बच्चा एक बार? नहीं तो कर लेना। चलो अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी बताता है, बेस थ्योरम ऑलवेज आस्क फॉर रिवर्स प्रोबेबिलिटी। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, पहले इस पेज पे आंसर बताया कोई बच्चा क्या आया? अरे कुछ तो बताओ। चल छोड़ो, रहने तो कर लेना। अब हमसे मांग रहा है रिवर्स प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ, दैट इज बाय द बेस थ्योरम, अर्न वन से ही वो व्हाइट बॉल आई है जो तेरे हाथ में, तो इट इज द रिवर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द अर्न वन डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। सो अर्न वन से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा? 2/1/2 इंटू 0.6 अपॉन, भाई ये तो करना तुम्हें ही पड़ेगा ना, बोलो ना, ये आंसर नहीं बता रहे तुम। थ्री है प्रोबेबिलिटी? अरे 3 पॉइंट वो बता ना पूरा, 0.81, और यहां लिख दो फिर इसको, 0.3 / 0.81 क्या आंसर आया भाई? बोलो आंसर। आंसर क्या है यहां? ओ भाई 0.370। अच्छा ये तो फ्रैक्शन में चाहिए आंसर, तो भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तुम्हारी कैलकुलेशन में। 0.1, 0.28 है भाई, ये 0.38 है, सॉरी ये गलती पकड़ी गई। एक तो 8 × 3 = 24, 7 × 2 = 14, 0.38 है पहली गलती तो ये मिल गई। ओके ये 38 करो पहले, तो गलती मिल गई पहली, 0.38
तुम भी मेरे साथ ही चल रहे हो भाई ऐसे ही। ओके नेक्स्ट, 3/4 इंटू 0.56 ही है ना पक्का, 856। ठीक है वो तो ठीक है ना, 3 × 6.6 ये ठीक है ये भी। अब देखना बेटा गलती हुई थी थोड़ी, सॉरी बेटा दोबारा बताना बेटा। 0.3 + 4 × 8 कटेगा नहीं, डेसिमल में ही आएगा। 0.81 नहीं आएगा बेटा अब। अरे आशीष, आरुषि, परिधि, कोई तो करो यार, जागृति। सिक्स अपॉन 109 आर है ना पक्का, कर लेंगे ना, ये आंसर है हमारा करेक्ट है। ठीक है बेटा हमारे कर लिया ना, हो गया ना, समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, ओके बहुत अच्छा। डबल एक्सपोनेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैं पहले भी कई बार कह चुका इस क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? ओके, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? रुक जाओ पहले, जीरो ये तो फॉल्स दिख रही है, क्योंकि अगर मैं मॉड एक्स का ऑड इवन करूंगा तो ऑड इवन करने पे बटेगा ये अपन फंक्शन। देखो ऐसा उठ जाएगा फंक्शन, ये बोर्ड पे देखो सारे बच्चे, क्योंकि कुछ ऑप्शन तो देखते ही क्लियर हो रही है ना। हाफ ई की पार एक्स, एक्स इज लेस देन 0 एंड हाफ ई की पार माइनस एक्स इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एक बार बताओ, अगर मैं x इंटू यहां माइनस एक्स भी करता हूं तो और प्लस भी करता हूं तो आएगा 0? तो आएगा नहीं कभी भी, और ये तो इवन ही है। ये मैं पहले साइन वाला ट्राई करूं, क्योंकि एक ही आंसर करेक्ट होगा ना, साइन वाला ट्राई कर लूं। रुचा मैं पहले अमृत, मैं साइन वाला ट्राई कर रहा हूं पहले एक बार, रुचा, क्योंकि उसी में लोचा हो सकता है कुछ। अभी करा रहा हूं बेटा, मॉड एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन मॉड एक्स, यही वाला ऑप्शन, क्योंकि आंसर दिया हुआ है मेरे पास, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी मेरे बेटा, मॉड एक्स साइन स्क्वायर तो इवन फंक्शन हो गया, एक्स अपॉन मॉड एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हाफ ई की पार माइनस मॉड एक्स डी एक्स। यस मॉड एक्स इवन फंक्शन है, ये सारा तो इवन है ही बेटा, इट इज ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी, ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी बेटा। ये एक्स हो गया, ये साइन स्क्वायर 1 हो गया मेरे बेटा, और ये हाफ ई की पार माइनस एक्स हो गया मेरे बेटा। करेक्ट है अमृत ये बात? तो मेरे बेटा बाहर 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर 1 बचा बाहर, इंटीग्रेशन कर, गामा इंटीग्रल है बेटा ये, 1 ही आंसर आएगा। अरे गामा 1 से बड़ा नंबर 2, गामा 2 1 होता ना, तो साइन स्क्वायर 1 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई ये ऑप्शन तो करेक्ट है, क्योंकि मुझे पता थी, दी हुई है मेरे को सॉल्यूशन में लोगों ने, आंसर की दी हुई है। ये समझ में आया कैसे आया पहले बताओ। हाँ जी अमरते बाबू, अब ऐसे ही करो, बाकी ये तो साफ साफ दोनों गलत, मतलब ये तो सही दिख रहे, मतलब सॉरी 0 आ सकते हैं, कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। करके दिखाता हूं, करके दिखाऊं क्या बाकी ऑप्शन बेटा? ए बी सी डी में से कौन सी ऑप्शन और करूं बताओ। चलो ए कर देते हैं, चलो ये मेरे फेस पे आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। ए ऑप्शन कर रहा हूं बेटा, हमसे मांगा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू मॉड एक्स, राइट? तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स इंटू मॉड एक्स इंटू हाफ e की पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स। तो ऑड इवन फंक्शन तो हमें पता ही है बेटा, माइनस इनफिनिटी से 0 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स इंटू हाफ ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 0 से इनफिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा बोल। तो हाँ माइनस हटा दो, हाँ हाँ क्या, हाँ डाल दो तो 0 आएगा, 0 आएगा आंसर इसका, हाँ 0 आएगा, सही कह रहा है बस ये, हाँ ये ट्रू है, तीनों ट्रू है।
जिसमें स्क्वायर आया ये वाला नहीं है ना। तो क्वेश्चन 10 क्लियर है? क्वेश्चन 10 बाकी बच्चों, जागृति, संजना बेटा, अमृत्य, बाकी आरुषि, क्वेश्चन 10 ये आ गया मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 दिस कैलकुलेशन, ये तो कैलकुलेशन लगी भाई इसमें, ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक्सआई जो फॉलो कर रहा है सॉल्यूशन, देखो आप मेरा, तो अगर एक्स आई फॉलो कर रहा है एन जीरो वन को, तो अगर आपको सीएलटी लगाना है समेशन एक्स आई की फोर चाहिए, तो भाई पहले आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर फोर, और क्योंकि आप बेटा एक्स स्क्वायर कर जाता काई स्क्वायर कर जाता, फिर काई स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रहा है एक्चुअली, ये एक एक स्टैंडर्ड नॉर्मल में लिखा था फॉर्मूला, पर लेकिन उससे आएगा नहीं इसका आंसर, लिखता हूं मैं। मैंने एक बताया था, एक एक्स आई नॉर्मल का बताया था एक फॉर्मूला, पता नहीं मॉड में बताया था, पर वो तो चेक करते हैं पहले इसको, वन अपॉन रूट टू पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, लेट एक्स स्क्वायर बी टी, तो टू एक्स डी एक्स विल बी व्हाट डी टी, सब चेंज करना पड़ेगा लिमिट सिमिट, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर को टी ले लिया भाई, टू एक्स डी एक्स डी टी हो गया, लिमिट तो सब जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, इवन हो गया ना ये तो, पर पहले ही कर देना चाहिए था मुझे, पहले जीरो से इन्फिनिटी इसको, ट्वाइस जीरो से इन्फिनिटी, अब लिखो एक्स स्क्वायर को टी करना बेटा, जरा प्लीज लेट करके इसको एक्स स्क्वायर को टी करो, एक्स की जगह क्या आएगा वो देखो, टू एक्स डी एक्स काटो इसका, थोड़ा सा तो सॉल्व करने में मदद करो यार, तुम पेन लेके बैठे हो, कॉपी पेन लेके, आंसर इसका थ्री आना चाहिए, ये चेक करो बस जल्दी से, तरीका यही है एक्स, क्योंकि ये इवन था तो ट्वाइस जीरो से इन्फिनिटी हो गया, ये सेम इवन फंक्शन रूट टू पाई, और ये गामा इंटीग्रल बनाओ पहले इसको आप, और फिर लेट करो टी, आंसर इसका थ्री आएगा। अगर एक्सपेक्टेशन एक्स टू द पावर फोर निकालोगे तो नहीं, थ्री आएगा, नहीं अच्छा ऑप्शन, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर एट भी निकालना है आपको, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर एट आपका आ जाएगा 96। तो अब आपका समेशन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यहां पर, तो समेशन एक्स आई की पावर फोर फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, समेशन है तो एन टाइम्स थ्री एन, एंड 96 एन हो जाएगा। अब इसको आप स्टैंड नॉर्मल में कन्वर्ट करो, तो करो करो भाई, तो ये होगा समेशन एक्स आई प्रोबेबिलिटी की पावर फोर माइनस थ्री एन अपॉन रूट, रुक जा भेजते हैं 96 एन, बना रहा हूं ना अभी, रुक जा, इनइक्वालिटी को सही कर रहा हूं ना, रूट सिक्स माइनस थ्री एन, रूट 96 तो नहीं आएगा, 32 आएगा, तो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ भाई, थ्री तीन तीन नौ तीन, हाँ थ्री, रूट थ्री हो गया भाई, डन, ओके। तो रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई किया, इधर था 32 एन, और रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई किया, इधर था 96 एन था ना, 32N, तो 96 हो जाएगा अभी, तो प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन इक्वल टू, करियो भाई जरा बच्चों जल्दी बताओ फटाफट आंसर,
रूट टू आ रहा है क्या? अरे वो कैसे आ रहा है पता है आपको? ये रूट टू थ्री है ना, रूट सिक्स थ्री, रूट थ्री बच गया, तो बस ये बचेगा आपका रूट सिक्स बाय रूट थ्री बचेगा, क्योंकि ये तो 32n था ना रूट एन, तो ये तो लिमिट एन टेंस इनफिनिटी लगाने से हट गया, तो ये रूट टू बच गया इसलिए आपका। पर मेहनत वाला क्वेश्चन था, ये आएगा आंसर। तो पहले मैंने एक्सपेक्टेशन एक्स टू द पावर फोर निकाला, आंसर थ्री आएगा, एक्स टू द पावर एट निकाला, आंसर 96 आएगा, और तो सॉल्व किया मैंने इसको। ये सॉल्यूशन करके दूं पूरा, ये करूं सॉल्यूशन की? अगर नहीं हो रहा तो बताओ मुझे, ये तो कर लोगे इतना तो यार आप। गुड भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा यार। हाँ जी बेटा, कोई बच्चा कुछ? आरुषि तुम तो कुछ पूछ नहीं रही, प्रेशी रिचि हर्ष डन वंशज। चलिए हो गया, गुड यार, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई। आ जाओ जरा, कंसिडर सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, ओके, विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज 1/3, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री सक्सेस अकर बिफोर द फोर्थ फेलियर, ओके। भाई आ जाओ आ जाओ, नेगेटिव बाइनोमियल। थ्री सक्सेस अकर्स, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, फोर्थ फेलियर, फेलियर कभी भी आ सकता है, तो मतलब थ्री, ये जो है फोर्थ फेलियर है, फोर्थ फेलियर, तो मतलब थ्री सक्सेस अकर्स बिफोर द फोर्थ फेलियर, बिफोर मतलब लेस देन फोर, ओके। मैं लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। देखो भाई, नेगेटिव आने में लगेगा, पर पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं आपको। देखो बेटा, जो हम नेगेटिव आने में पढ़ते थे वो ट्रायल वर्जन होता था, तो ट्रायल वर्जन का हमारा जो फंक्शन होता था बेटा, वो होता था एक्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस वन सी के माइनस वन पी टू द पार के एंड क्यू टू द पार एक्स माइनस के, एंड इन दैट क्वेश्चन एक्स स्टार्ट फ्रॉम के, के प्लस वन, के प्लस टू, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। बट दिस इज समथिंग लाइक, है ये फेलियर वर्जन पर सक्सेस की बात कर रहा है, वो कोई बात नहीं। लेट वाई बी एक्स माइनस के, मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया कि नहीं सिखाया बताओ आपको? तो एक्स की जगह क्या लिखूं बताओ, वाई का फॉर्मूला बनाना मुझे, वाई, तो एक्स की जगह लिखूंगा वाई प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन पी टू द पार के क्यू टू द पार वाई, और वाई है हमारा 0 1 2 3 डा डा डा। अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी बिफोर द फोर्थ फेलियर, मतलब बिफोर फोर मतलब 0 1 2 3, व्हेन प्रोबेबिलिटी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 मेरे बेटा। तो इस फॉर्मूले में वाई को 0 1 2 3 रखना है अपने, ओके। वाई को 0 और के कितना है, 3 सक्सेस बिफोर द फोर्थ फेलियर, के 3 हुआ ना, तो 3 हुआ तो भाई, हाँ, तो ये तो कि पहले में तो वाई 0 था, तो 2c2 तो 1 ही हो गया, तो पी टू द पावर 3, पी कितना है हमारा बता बेटा, 1/3 की पावर 3 ना, के पावर 3, दूसरा में क्या है 2/3 की पावर 0 है ना, ओके। नेक्स्ट प्लस वाई 1 कर जरा बेटा, यहां 1 रखते ये तो 3 था ही बेटा, 4 माइनस 1 कितना हो गया अब 3, तो 3c2 1/3 की पार, अब क्या आएगा k की वैल्यू बेटा, हाँ 3, और q 2/3 की पार 1 हो गया ना बेटा। कर लोगे बेटा जल्दी से मुझे, प्लीज मुझे 3 और 4 ऐड करके बता दो मुझे आंसर, यही है क्वेश्चन। पहली बात तो बेटा, ये वाला वर्जन में चेंज किया, मैंने फॉर्मूला बना के दिखाया आपके सामने, आपको पहले बताता हूँ के 3 है और वाई की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो आपसे मांग रहा है बिफोर द फोर्थ, तो मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन 4 मांगी है उसने बेटा, तो लेस देन 4 मतलब 0 1 2 3 मुझे ऐड करके देनी पड़ेगी, और मेरे बेटा पी आपको 1/3 दिया ही हुआ है,
और क्यू 2/3 है। हाँ जी बेटा, फेलियर वर्जन लगेगा। आपने कैसे किया था इसको? हाँ बेटा बोलो बोलो। अरे भाई बहुत जबरदस्त फर्क है भाई, देख इधर देख, इधर देख। देखो बेटा क्या है, जैसे कि ये सक्सेस है, ग्रीन ग्रीन का मतलब सक्सेस, तो और यहां पर ये बोल रहा है फेलियर। तो कई बार आपने इसको देख रहे होते हो सिर्फ, आपको पता नहीं कितनी ट्रायल चाहिए होती है एक सक्सेस के लिए। तो इसको इस उल्टा बोला है इसमें, बस कंफ्यूज करने के लिए ना, सक्सेस को फेलियर और फेलियर को सक्सेस बोल दिया है बस। तो जो ट्रायल वर्जन होता है ना, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स इंडिपेंडेंट पता नहीं होती कितनी होंगी, और एक सक्सेस होती है। लेकिन इससे पहले कितनी फेलियर्स हैं? 3 फेलियर्स हैं, तो मतलब x-1 फेलियर्स है। और नेगेटिव वाले में जो सक्सेस होती है एक से ज्यादा होती है, मतलब k होती है। तो फेलियर कितने हुए? x-k हो गए बेटा। तो दोनों में ये फर्क होता है। अरे पढ़ाया वो लेक्चर देख जाके मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिव बायनोमियल का लेक्चर देखिए जाके, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा सब कुछ। आंसर बताओ, कोई बच्चा नहीं कैलकुलेट कर रहा? सी आंसर आएगा। हर्ष, अमृते, वंशद, समझ में आया किसी को भी क्वेश्चन? गुरलीन, हाँ हाँ बोलो बेटा। बेटा ट्रायल वर्जन नहीं लग सकता इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि वो बात किसकी कर रहा है? देखो तुम देखो क्या कहता है, अभी बताता हूं बेटा। 3 सक्सेस बिफोर द फेलियर। चलो मैं नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ। ओके नंबर नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बोर्ड पे देखो अभी समझ में आएगा आपको ये बात। मेरा वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले लिया। तो रेड लाइट पे रुकना इज अ सक्सेस। ओके दिस इज ज्योमेट्रिक, फाइनली सक्सेस। 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 बट द एंटायर बॉक्स इज नेगेटिव बायनोमियल, राइट? ठीक। सो हियर इन नेगेटिव बायनोमियल एक्स इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, रिक्वायर्ड टू गेट द फोर्थ सक्सेस, हाँ ऋषि, एक्स इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फोर्थ सक्सेस। ये बात करेगा ये, जो ट्रायल वर्जन होगा। और जो फेलियर वर्जन होगा बोलेगा नंबर ऑफ फेलियर, बिफोर द फोर्थ सक्सेस। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? लैंग्वेज में ही अपने आप सब कुछ लिखा है मेरी बिटिया। तो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर द, 1, 2, 3, 4, 5, देर आर 5 फेलियर बिफोर द फोर्थ सक्सेस, तो इट्स अ फेलियर वर्जन। पर लेकिन बच्चों कंफ्यूज क्या किया, फेलियर की जगह क्या लिख दिया उसने? सक्सेस, और सक्सेस की जगह फेलियर, और यहां पर फोर्थ फेलियर, ऐसे कर दिया, चेंज कर दिया बस जरा सा। पर लैंग्वेज अपने आप में क्लैरिफाई करती है, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फोर्थ सक्सेस उसकी, और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फोर्थ सक्सेस। दोनों लैंग्वेज में फर्क है ना ऋषि? बस आप लैंग्वेज पीछे पढ़ते हैं। चल, द द प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेस अकर बिफोर द फोर्थ फेलियर, 3 सक्सेसेस अकर बिफोर द फोर्थ फेलियर। ट्रायल की बात नहीं हुई गई बेबी यहां पर, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फोर्थ फेलियर नहीं है यहां पर कहीं पे भी मेरे बेटा। हाँ जी बेटा, हाँ इंटरचेंज कर दिया बस इसने, ये तो इंटेलिजेंट वाला काम हो गया, इसका दिमाग यहीं तो लगा दिया क्वेश्चन में इसने। अरुषि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? नेक्स्ट चलते हैं। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है, देखे जरा भैया इसको। लेट एक्स बी इंडिपेंडेंट स्टैंड नॉर्मल, अच्छा जी एक्स और वाई स्टैंड नॉर्मल है, n01
और ये भी N01, तो ये तो स्टैंडर्ड कॉची हो गया x बाय वाई। तो देखो अगर यहां पर x बाय वाई होता सिर्फ, तो मैं स्टैंडर्ड कॉची भी लिख सकता था, T1 भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि उसने मॉड ले लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो वो ट्वाइस हो गया बेटा, ट्वाइस स्टैंडर्ड कॉची हो गया अभी। ठीक, अब क्या मांगा है, एक्सपेक्टेशन इज फाइनाइट। तो मेरे बेटा एफ ऑफ लेट दिस बी जेड, जेड का फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड कॉची का 2 टाइम्स 1 बाय पाई 1 प्लस z² होता है कि नहीं होता है? और z की रेंज अब 0 से बड़ी होगी बेटा, क्योंकि 2 टाइम स्टैंडर्ड कॉची कर दिया हमने इसको। अब हमें निकालना है बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ z टू द पावर p, निकाल रहा हूं मैं y p, क्योंकि p की वैल्यू 1 बाय -√2, √2 कुछ भी हो, मैं वो हर एक के लिए, चारों के लिए जवाब आएगा मेरा। तो मेरे बेटा 0 से इन्फिनिटी 2 बाय पाई बाहर रख लिए मेरे बच्चे, z टू द पावर p 1 प्लस z² dz। अब यहां तुम्हें खेलना पड़ेगा अपने 11th 12th की क्लास का खेल। लेट z बी टेन थीटा। अरे ऐसे तो करते थे यार, क्या हो गया तुम लोगों को, डी जेड हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। खेलो इसको अब, और 1 प्लस z² हो गया 1 प्लस 10² थीटा हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो लगाओ भाई इसमें प्रोबेबिलिटी वोल्टी लगाओ। हाँ बच्चों पढ़ा हुआ है ये सब, या मेरे ऊपर से जा रहा है, लिमिट थीटा 0 तो 0 भाई, और इन्फिनिटी तो पाई बाय 2। ओके जी, ऊपर का जाएगा 10 थीटा की पार पी अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा है बेटा। हाँ बेटा मैं जनरल, हाँ मैं ये तो बोला आपको जनरल निकाल रहा हूं बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा रह गया मेरा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कट गया ना बेटा इससे। जरा कोई बच्चा प्लीज बताएगा आंसर क्या आ रहा है, 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, 2 बाय पी। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, लिख लो यहां तक लिख लिया, मैं इसको बीटा इंटीग्रल बनाता हूं, बीटा इंटीग्रल 1 रेंज कर दूंगा, देखना इसकी अभी। तो ये जनरल फॉर्म निकालनी ही पड़ेगी अमृत, क्योंकि बार बार हर पी के लिए थोड़ी करूंगा मैं अलग से, हर पावर के लिए अलग से थोड़ी करूंगा। तुमने किया था ये क्वेश्चन, नहीं किया था? अच्छा, लिख अच्छा। चलो नेक्स्ट पेज पे पहुंचो बच्चों। तो ये आएगा मेरे बेटा 2 बाय पाई 0 से पाई बाय 2, इसको डिवाइड कर दिया बेटा साइन थीटा की पार पी, नीचे कॉस थीटा आता कॉस थीटा की पार -p डी थीटा। अरे कर सकता हूं ऐसा, 2 बाय पाई 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा की पार, स्क्वायर करना है ताकि 1 माइनस cos² थीटा कर सकूं, तो डिवाइड इंप्लाई 2 कर दूं एक तो, और माइनस प्लस भी कर दूं, क्या बोलता है, +1 -1 और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 भी करूं। देखिए जरा एक बार जल्दी से, मैं शॉर्टकट नहीं मानना चाहता, इसको बीटा बनाना पड़ेगा ना यार। तो 2 स्क्वायर कर दिया, चलो स्क्वायर का तो अंदर ले लिया, अरे भाई 2 टाइम्स p+1/2 -1 करना है, कैसे करना है बता आप इसको, ठीक तो है बिल्कुल एकदम आ सकता है,
तो इसको साइन स्क्वायर को अंदर कर देता हूं। अच्छा बेटे बेटा कॉस स्क्वायर है तो इसको भी कॉस स्क्वायर ठीक है, माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन चाहिए ना, पर हाँ ये बात तो सही है, मी माइनस प्लस वन बाय टू, माइनस वन नहीं आता क्या? ये देख बस तू, अगर मैं टू रखता हूँ, टू से टू कटा, बात तो सही है यार, क्या दिक्कत है तेरे को, प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई टू से टू काट, पी प्लस वन माइनस वन, पी तो बच रहा है, तो मैं शॉर्टकट नहीं मारता, लिख दिया ऐसे, समझ में आया ये बात, पहले नहीं आई बेटा। अब मेरे बेटा टू बाय पाई, जीरो से पाई बाय टू, ये लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया मेरे बेटा पी प्लस वन बाय टू माइनस वन, और ये हो गया मेरे बेटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया भाई, वन माइनस पी बाय टू माइनस वन, करेक्ट है? और अगर साइन स्क्वायर थीटा को एक्स मान लो तो ये वन माइनस एक्स, ओके, तो ये बनेगा बीटा पी प्लस वन और वन माइनस पी बाय टू बनेगा बेटा, टू बाय पाई, देख ले बनेगा नहीं बनेगा, जीरो से वन भी रेंज जाएगी इसकी ओर, क्योंकि साइन जीरो जीरो होगा, साइन पाई बाय टू वन होगा, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा भाई। अब बीटा बन गया तो जो ये वैल्यू है पी प्लस वन बाय टू, और ये सब जीरो से बड़े होने चाहिए दोनों, तो पी प्लस वन बाय टू जीरो से बड़ा, तो पी किससे बड़ा, अरे टू जीरो माइनस वन से ना, और वन माइनस पी भी जीरो से बड़ा, तो टू गया, तो पी वन से छोटा, तो मतलब जो पी आ रहा है किसके बीच में आ रहा है, माइनस वन और वन के बीच में, करेक्ट है ना बच्चों? अरे बेटा ए और बी जो होते हैं बीटा में वो जीरो से बड़े होते हैं बेटा, मतलब सर कौन हाँ कर रहा है ना, करा तो रहा हूं, हाँ वैसे नहीं करता बेटा, पी आ रहा है माइनस हाफ से हाफ में, करेक्ट है ये बात? अब देख पीछे आ जा, किस कहां पर पी माइनस हाफ से हाफ में, यहां पर पी है वन और वन प्लस हाफ थ्री बाय टू, गलत, यहां पी वन है गलत, यहां पी क्या है बेटा, वन प्लस थ्री बाय टू माइनस थ्री बाय टू, गलत, तो ए करेक्ट है ना, वन बाय टू है पी। ओ भाई ये जो आंसर है किसके लिए ट्रू है, पी की वैल्यू किसके लिए ट्रू है, माइनस वन से वन के लिए ट्रू है ना बेटा, मैं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया ना बेटा एकदम। हाँ बेटा आरुषि भटनागर साहब, हाँ वो तो बेटा तुम्हें, मेरे को तो यही समझ में आया, अभी और कुछ यूज कर सकते हो करो उसको यूज, मैंने तो बीटा बना दिया, ऐसे बीटा बना के हो गया मेरा काम, और तो इंटीग्रेशन का तरीका आप ढूंढ ही सकते हो बेटा, बेटर तरीका तो हमेशा, इंटीग्रेशन नहीं आती बाकी कुछ भी पूछो, आएगा बेटा 23 भी आएगा, 21 भी आएगा, भाई सारे क्वेश्चन, हाँ अच्छा ये पूछा था, अच्छा चले आगे बच्चों, लिख लिया आरुषि जी, जागृति आया समझ में बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये अब 16वां क्वेश्चन आ गया, क्या है, ई की पावर माइनस एक्स है, हो गया, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, बताओ किस किसने किया है क्वेश्चन, कभी किया है ट्राई, आओ मैं कराता हूँ आज आपको, चलो मैं कराता हूँ, हमसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट एक्स मांग रहा है, ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर, तो बच्चों की जानकारी के लिए ब्रैकेट एक्स की डेफिनेशन लिख देता हूं फिर भी एक बार, जीरो इफ एक्स इज बिटवीन जीरो एंड वन, वन इफ एक्स इज बिटवीन वन एंड टू,
if x is between 2 and 3 and blah blah like this. तो हमारा फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी में, तभी ये रेंज लिखी है बेटा मैंने. y स्क्वायर मतलब ब्रैकेट x का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स. अरे करेक्ट है बच्चों. तो पहले जाता हूं मैं 0 से 1 बेटा, वहां पर ये 0 है, 0 का स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स डी एक्स. फिर जाता हूं मेरे बच्चे 1 से 2, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर मेरे बेटा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स. फिर जाता हूं बेटा 2 से 3, 2 का स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स डी एक्स. और ऐसे करते जाएंगे, समझ में आ रहा है कुछ? e की पावर माइनस 2 मैंने पहले भी करा रखा है, पर इस तरीके से नहीं करा रखा है. e की पावर क्या आएगा बेटा, e की पावर माइनस एक्स का माइनस और 1 से 2 इंटीग्रेट करेंगे, 4 बार e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 से 3 में इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 1 प्लस e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस 2, 4 e की पावर माइनस 2 माइनस e की पावर माइनस 3 प्लस, ऐसे चलते जाएंगे बेटा. सो 1 प्लस e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस 2 प्लस 4 e की पावर माइनस 2 माइनस 4 e की पावर माइनस 3, ऐसे चलते जाएंगे बेटा. 1 प्लस e की पावर माइनस 1 प्लस 3 e की पावर माइनस 2 प्लस, ऐसे ही आएगा ना बेटा, समझ में आ रहा है ना? 5 e की पावर माइनस 3, अरे बाल को बोलो, 7 e की पावर माइनस 5. ओके अब करते हैं भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई. 1 प्लस e की पावर, इसमें से 1 e की पावर माइनस 2 चुरा लेते हैं, इसमें से 1 e की पावर माइनस 3 भी चुरा लेते हैं, इसको तो अलग कर देते हैं. जो बचा क्या बचा, हमारे पास 2 e की पावर माइनस 2 बचा, हमारे पास 4 e की पावर माइनस 3 बचा, हमारे पास 6 e की पावर माइनस 5 ऐसे बचा. तो ये तो सबको पता है फॉर्मूला क्या होगा इसका, मैं करता हूं, उतारो पहले. पहला 1 था कि 0 था? पहला 1 गलत लिया ना, बताया नहीं बच्चों आपने मुझे बेटा. 0 इंटू है ना, तो 0 ही आएगा ना वो. तो अब ठीक है. तो भाई सम टू इनफाइनाइट जीपी तो लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता. और क्या लगता है इसमें? लगता है e की पावर माइनस 1 और इनफाइनाइट 1 माइनस e की पावर माइनस 1, हाँ लगता है भाई. नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं तो आंसर आएगा भाई इसका. बच्चे का आ गया e की पावर माइनस 1, 1 माइनस e की पावर माइनस 1 है ना बेटा, प्लस. अरे भाई क्या चल रहा है, प्लस. अब क्या बचा, बचा था क्या हमारे पास बेटा, 3 या 2 नहीं बचाना कहीं पे भी. तो अगर मान लो मैं कॉमन लूं 2 e की पावर माइनस 2 कॉमन, नहीं 2 कॉमन लेने से कुछ होगा, ब्रेक करना पड़ेगा इसको. अरे भाई एक ही कम तो हो गया था इसमें से, बंद 2 e की है तो आ गया था मेरे को ढक के ही रहा. अब इसको लिखना पड़ेगा 2 e की पावर माइनस 2 प्लस 4 e की पावर माइनस 3 ऐसे आएगा ना, 6 e की पावर माइनस 5. इसका और सम निकालना है बच्चों अपने को बस. टू कॉमन ले लिया, e की पावर माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 e की पावर माइनस 1 प्लस 3 e की पावर माइनस 2, ये बचेगा ना. पर कुछ बन नहीं रहना यार, लगाते हैं चल e की पावर माइनस 1, 1 माइनस e की पावर माइनस 1 प्लस, क्या लगेगा इसमें यार,
समेशन एन ई की पावर माइनस एन माइनस वन, वेर एन स्टार्ट फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा हाँ, वो वन माइनस ए की, हाँ ऑड इवन को ऐड करते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन आता ना यार, इवन टर्म्स आती हैं और ऑड टर्म्स आती हैं, तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? यार ये गड़बड़ लग रही है मुझे, टू कॉमन लिया ना मैंने, तो वन लेता अगर तो मैं, तो यहाँ टू रहता, यहाँ थ्री रहता। अरे भाई वो माइनस एक माइनस प्लस है ना, फिर तेरा, अब तेरा फॉर्मूला बनेगा देख, यहाँ एन ही होना चाहिए तब फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं माइनस वन कॉमन लेता ना तो बन जाता, तो तेरा टू बाय ए। पूरा कैसे बेटा, मैं ई की पावर माइनस टू ना लेके ना टू ई की पावर माइनस वन लेता, तो ई की पावर माइनस वन ई की पावर माइनस टू मैच करते ना सारे टर्म्स, इसका कोफिशिएंट वन होता है, इसका टू ई की पावर, अब तो बनेगा ना फॉर्मूला मेरे बेटा, वन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस वन का स्क्वायर, देखना यही बनेगा क्या। आंसर मैच करके देखेंगे, जिसके मैच हो जाए वो ठीक है, पर भाई बहुत कैलकुलेशन है यार, कोई शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा इसका। ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना पड़ेगा इसको, ये तो कैलकुलेशन इतना टाइम लगेगा, एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या आंसर आया बच्चों, कोई सॉल्व कर रहा है इसको बताना जरा। ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन का स्क्वायर आएगा, आंसर कौन सा ऑप्शन है इसका? बी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो जाएगा बेटा, ये आपको फंक्शन ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। पर डायरेक्ट में कैलकुलेशन ज्यादा है ना, चैट आइए किसी बच्चे की। अच्छा चलो जी, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के बाद में करते हैं यार, इजी होते हैं प्रोबेबिलिटी, मेरे को अच्छे क्वेश्चन करने तो पहले। प्रोबेबिलिटी के नंबर तो फ्री के लगते हैं मुझे इसमें बिल्कुल एकदम। आओ बच्चों, ये 500 क्वेश्चन है, ये नहीं हुआ होगा तुमसे भाई, क्या हो गया? चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, एम एक्स टी आ गया भाई हमारे पास, अब हमें इससे मीन निकालना है, ये यूनिफॉर्म का एम एक्स टी है बेटा, कोई बच्चा बता सकता ना यूनिफॉर्म का है कि नहीं बताओ? ई टू द पावर बी टी माइनस ई टू द पावर ए टी अपॉन टी टाइम्स बी माइनस ए, तो ये फॉलो करेगा यू जीरो वन मेरे बेटा, तो भाई आ जाओ, अल्फा बीटा दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अल्फा हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देखो कुछ रूट्स वूट्स निकलेंगे इसके, माइनस पहले अल्फा सॉल्व कर रहा हूं मैं बेटा, ठीक है तो बनाओ भाई क्या बन रहा है ये, एक्स 48 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बाय फोर और एक्स माइनस वन बाय ट्वेल्व आएगा, चेक कर लेना आप लोग, तो जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़े पे खेलते हैं पहले, तो एक्स माइनस थ्री बाय फोर अगर जीरो से बड़ा है और एक्स माइनस वन बाय ट्वेल्व जीरो से बड़ा है, और एक्स माइनस थ्री बाय फोर नेगेटिव है या एक्स माइनस वन बाय ट्वेल्व नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, मतलब x बड़ा है 3 बाय 4 से, मतलब
एक्स बड़ा है 1/12 से, एक्स छोटा है 3/4 से, और एक्स छोटा है 1/12 से, दोनों को लाइन खींच लो भाई। 1/12 और 3/4, तो एक्स बड़ा है 3/4 से, एक्स बड़ा है 1/12 से, ओके। फिर एक्स छोटा है 3/4 से, एक्स छोटा है, तो भाई तुम्हें समझ में तो आ गया इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहा है? और बच्चों है ना, तो इट मींस प्रोबेबिलिटी, हाँ, एक्स ग्रेटर देन 3/4 एंड एक्स लेस देन 1/12 पे पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब है ना बेटा। अच्छा, अल्फा अभी निकाल लिया तुमने, 1/3 आ गया। बच्चों समझ में आ रहा है क्या किया ये बेटा? इस इक्वेशन के रूट निकालने थे बस, वो चेक कर लिए कहाँ पॉजिटिव आ रहा है बेटा ये। अब प्रोबेबिलिटी निकाल ले बेटा 3/4 से, बता 1 की प्रोबेबिलिटी, और 0 से 1/4। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, तो अल्फा आ जाएगा मेरे बेटा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 1/12 था ना, लेस देन 3/4, तो 1 माइनस, सॉरी। अब ठीक है ना बेटा? अब तो 1 माइनस 1/12 से 3/4, ठीक है, 1 ही तो फंक्शन था, 1/(b-a) से 1/3 आ जाएगा, चलते रहा। अब बीटा भी आ जाए बेटा, बीटा क्या था? लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 2 log x-3, लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 2 log x -3 ग्रेटर देन 0। फिर से इसका भी रूट निकालना है बेटा, मैंने निकाला था बेटा, हाँ, ये रूट निकाल के रखने पड़ते हैं। लॉग एक्स माइनस वन निकाल लिया था और लॉग एक्स प्लस 3 निकाल लिया था बेटा, हाँ, फिर से वही कहानी बेटा, सारी सारी किस में आया था चेक कर लेना बेटा। ये ट्रू हो रहा था, बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लॉग एक्स ग्रेटर देन 1 यूनियन लॉग एक्स लेस देन -3। तो प्लीज इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन ई यूनियन एक्स इज लेस देन ई की पावर -3। तो ग्रेटर देन ई तो 0 हो गया भाई ये तो, क्योंकि यूनिफॉर्म तो 0 से 1 तक है ना, और ई तो 2.732 है बेटा। सर, अरे बोलो भाई, यस, प्लस 0 से e की पावर -3 तक, अरे यही था ना, तो 1, तो e की पावर -3 आ गया बेटा। क्या मांगा था आंसर अपने से क्वेश्चन में? मांगा था अल्फा माइनस, अल्फा कितना है 1/3, -2 log बीटा e की पावर -3 आया बेटा, तो यस वन सर, बाय थ्री -6 + 6 हो जाएगा ना, तो लॉग ई 1 हो गया ना, तो 3 6 18, 19/3 आ रहा है क्या आंसर? बी, हाँ बी आंसर आ गया। कराएंगे बेटा सारे, करा एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना ले। बच्चों देखो एक बार प्लीज, आरुषि देख लो कैसे कर रहा हूं बेटा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बताना जरूर मुझे। ये पॉजिटिव कब होगा बेटा? यहां लिख सकते हो आप साइड में इसको कि लॉग एक्स -1 ग्रेटर देन 0, लॉग एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लॉग एक्स ग्रेटर देन -3, और नेगेटिव वाला केस भी ले लो, लॉग एक्स लेस देन 1, लॉग एक्स लेस देन -3, और कर लो यही आएगा। टफ 22, 2021 की कट ऑफ थी 22 मार्क्स, 22.08 मार्क्स, हाँ 22 का भी करेंगे ना,
21 का तो 23 का थोड़ा ठीक था, 20 तो 20 का देखेगा तो लगेगा तो बहुत टफ है 20 के हिसाब से। तो ये 20 के हिसाब से तो बहुत टफ पेपर था बेटा ये। आ गया चल तेरा यूनिफॉर्म यही था ना, ये तो इजी है यार, कमाल करता है। हाँ तो कर दो। क्यों सारी वैल्यू X1 X2 IID नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है सारी वैल्यूज। और क्या वो ट्रिक डायरेक्ट, चल लंबे मेथड से करूं कि शॉर्टकट से करूं, तू बता। चल शॉर्टकट से तो पता है बेटा है मुझे, ला आ जा, हो गया दिखा रहा हूं बेटा। आपने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, n-k/n की पार समेशन xi इज अनबायस्ड फॉर e की पार -k θ फॉर पॉइजन, मैंने कराया हुआ एक क्लास में। ओके बेटा, x इंटू एक्स माइनस वन डा डा लाइक दिस, एक्स माइनस के अनबायस्ड फॉर वॉट, k+1 θ ना, और थीटा की पार k+1। एक नंबर बड़ा आता है हमेशा, थीटा की पार k+1, ये फॉर्मूला पता है आपको। तो आ जाओ भाई, यहां क्या कौन सा है, ये 1-2/(n-2). ओके तो यहां है n-2/(n) और t आपका समेशन xi है। इज अनबायस्ड फॉर किसके लिए आ जाएगा भाई, ये e की पार -2 θ। ये तो एक हो गया बेटा आपका। फिर एक्स थीटा के लिए, एक्स का मतलब वो इस फॉर्मूला बताया था मतलब हमने ना, तो t समेशन एक्स आई है ना हमारा, सो हमारा हो गया बेटा यहां पर एक्स इंटू x-1 इंटू x-2 जो है अनबायस्ड है थीटा की पार 3 के लिए, है कि नहीं बता। तो ये अनबायस्ड है इसके लिए, ये अनबायस्ड है इसके लिए, ये अनबायस्ड, देयर फोर n-2/(n) की पार समेशन एक्स आई इंटू x-1 इंटू x-2 अनबायस्ड किसके लिए होगा भाई, e की पार -2 θ इंटू थीटा क्यूब के लिए होगा कि नहीं होगा भाई। लिख दिया ना, लिख दिया तेरे सामने, क्या बुरा था इसमें, ये तो शॉर्टकट से आया भाई। हाँ शॉर्टकट से आया आपका ये, और अब लॉन्ग कट से करना है तो वो भी कराते हैं। शॉर्टकट से तो करा दिया, लॉन्ग कट से भी करा दूंगा मैं इसको, लंबे तरीके से भी कभी शॉर्टकट नहीं सॉल्व, पर शॉर्टकट ही काम करेगा इसमें, इतना लंबा कौन सॉल्व करेगा इसको। ये शॉर्टकट में भी मेरा ही सॉल्यूशन है, ज्यादातर लोगों ने इसको लंबे मेथड से ही कर रखा है, ज्यादातर लोगों ने लंबे मेथड से कर रखा है। अब शॉर्ट बता बेटा, अमृत जागृति आरुषि, ये शॉर्टकट से करोगे तो बहुत फायदा होगा आपको, समय बहुत बचेगा आपको। बाकी लंबा वाला सॉल्यूशन भी भेज दूंगा आपको मैं इसका, टेंशन लो, लिख के सॉल्यूशन दूंगा यार 2021 का पूरा पेपर का, प्रॉपर सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, टेंशन मत लो, टाइप होने दे रखा है मैंने अभी सब, हर पेपर का, ये पेपर खत्म इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा आपके पास, अगला पेपर खत्म उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, पहले क्लास में करा दूं ताकि कोई गलती वलती हो तो यहीं पता चल जाए मुझसे। हां जी आरुषि जी, जागृति कर रहे हो, सर मैडम चलेगी वो वाली, जी वो बिना बताए चलेगी वो तो। चलेगी, अच्छा कितने बजे जाती हैं वो, नहीं 6:30 बजे जाती है ना वो, कितने बजे जाती हैं वो। वो 10 बजे आते हैं, 6:30 जाते अच्छा हैं। ओके सर, आ
अब एक्स को तुम लिखो समेशन एक्स आई टी, एन माइनस थ्री यहां कर दो, एक एन को यहां ले जाओ, एन को सारे को, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो बेटा ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है मेरे बिटिया, अब यहां एक्स की जगह टू टी लगा दे, टी टी माइनस वन टी माइनस टू, इसमें से कम कर ले टर्म्स, माइनस थ्री टर्म्स, हाँ टी, ये टी हो जाएगा, हाँ इसको टी लिख लेना। ये देखो ये तो क्वेश्चन ही गलत है, बताओ क्वेश्चन गलत है कि नहीं है सारे बच्चे। हाँ गलत है, मैं कराता हूं, देखो इसको ठीक करते हैं इसको। एक्स वन इज लेस देन ऐसे करके, एक्स एन इज लेस देन थीटा, ऑप्शंस गलत दिए, क्वेश्चन ठीक है। ये हमारे असाइनमेंट, हमारी बुक, मेरी बुक में भी होगा शायद ये क्वेश्चन। थीटा कैप इज लेस देन एक्स वन प्लस फाइव एंड थीटा कैप इज ग्रेटर देन एक्स एन माइनस फाइव, सो थीटा कैप इज बिटवीन एक्स एन माइनस फाइव एंड एक्स वन वन फाइव। ओके तो इनमें से कौन कौन सा हमारा, एक्स एन को उसने माना है टी, तो टी माइनस फाइव एंड टी प्लस फाइव, और टी ने इसको माना क्या, यू, अच्छा इसको माना है बेटा यू। अब ओके तो एमएलई इनफाइनाइट हो सकते हैं, पहली बात तो यूनिक हुआ तो गलती कर दो, एक तो एमएलई हो ही नहीं, अच्छा टू अपॉन टी प्लस यू कैसे हो सकता है भाई, वो सब कुछ हो सकता है, जैसे मान लो ये थीटा वन कैप है और ये थीटा टू कैप है आपका, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बताया होगा कभी शायद आपको, लैम्डा टाइम्स थीटा वन कैप प्लस वन माइनस लैम्डा टाइम्स थीटा टू कैप, ये सब एमएलई होंगे, फिर लैम्डा की रेंज किसके बीच में होगी, जीरो से वन। अब लैम्डा को पहले जीरो रख लो तो थीटा टू कैप एमएलई हो गया, वो तो है नहीं यहां पर, लैम्डा को वन रख लो थीटा वन कैप एमएलई हो गया, वो भी नहीं है यहां पर, लैम्डा की वैल्यू हाफ रख लो वो भी नहीं है यहां पर, एमएलई वन बाय थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, एमएलई तो एग्जिस्ट कर रहा है इसका, तो ये सारी ऑप्शन जो है ना इसकी गलत आ गई थी, इसमें से ऑप्शन ठीक कर सकते थे, ये ए प्लस बी बाय टू एड करो, टी प्लस यू बाय टू, ये ऑप्शन उल्टा आ गया एग्जाम में, अच्छा नहीं ठीक है। और ये यार रुको, टी प्लस यू बाय टू इज एन एमएलई ऑफ थीटा, तो वन अपॉन, पर वो वन टू वन फंक्शन होना चाहिए क्या बेटा, इनवेरियंस प्रॉपर्टी से ऑप्शन बी होना चाहिए बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, क्यों, टी प्लस यू बाय टू इज एन एमएलई ऑफ, एमएलई ऑफ थीटा, तो टू अपॉन टी प्लस यू इज एन एमएलई ऑफ वन बाय थीटा, पर टी प्लस यू इज एन एमएलई वन टू वन फंक्शन होना चाहिए, तो वन बाय थीटा तो भाई है ही ऐसा, पर फिर क्यों दिए फ्री के मार्क्स, हैं मार्क्स टू ऑल, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, कुछ गड़बड़ है इसमें क्वेश्चन में, ये कह रहा है। चलो आगे चलते हैं जी भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, किया मैं बताता हूं, मेरा सॉल्यूशन देख दो, इजी सॉल्यूशन, लेट एमजीएफ है बाइवेरिएटिव का बेटा, टी वन इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू टी, तो एम जेड टी क्या हुआ तुम्हारा, वन अपॉन वन माइनस टू टी इंटू वन माइनस टी, ये हुआ बेटा, और गल क्लियर है बच्चों, तो बस फिर अब करो, अब तो बस मीन वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड निकालो विद रिस्पेक्ट टू टी, एक बार डिफरेंशिएट करो एम जेड टी को और टी को जीरो पुट कर दो, आ जाएगा मीन, और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर चाहिएगा वेरिएंस के लिए आपको बेटा, तो डी बाय डी टी को
एम जेड टी दो बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर टी को जीरो पुट कर दो, तो दोनों वैल्यू आएंगे, उससे वेरियंस आ जाएगा मेरे बेटा। बस ये कैच था इसमें। कर रहा है कोई बच्चा? वो तो बहुत लंबा रास्ता है ना, जाके देख। बहुत लंबा रास्ता है वो बेटा। देखो जेड एक्सपेक्टेशन जेड आ रहा है इसका, भगवान भला करे 3 आ रहा है, 3 आएगा, और एक्सपेक्टेशन जेड स्क्वायर आ रहा है 14, तो वेरिएंस आ जाएगा तुम्हारा 5। डिफरेंशिएट करके देख लोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको क्या आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लो ना यार, सो आपको मल्टीप्लाई करके आएगा 2t² - 3t + 1। अब डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट कर दो, टी को जीरो पुट कर दो। कर लोगे ना बच्चों ये वाला क्वेश्चन? तो हाँ भाई बच्चों, आगे चलूं? ये क्वेश्चन कैसे किया बच्चों तुमने? शॉर्टकट बताऊं और अच्छा आसान रास्ता? ये सी डी एफ ऑफ अ कॉन्टिनेंस तभी होगा व्हेन एफ ऑफ 2- इज इक्वल टू एफ ऑफ 2+, यस और नॉट? एफ ऑफ 2- क्या हुआ मेरे बेटा? 4a। एफ ऑफ 2+ क्या हुआ? 1। a किसके बराबर आ गया मेरे बच्चे? अब तेरे को मांगा मीन, तो मीन क्योंकि जीरो से बड़ा है, जीरो से 2 है ना, और 1 - CDF 1 - AX² DX, क्या बोलता है भाई? अच्छा ये बताया था, और आप पीडीएफ से भी कर सकते हो इसको, आप पीडीएफ से भी कर सकते हो। आंसर क्या आया था भाई? 4/3। और बाकी दूसरा तरीका ये बेटा ऑल्टरनेटिव बच्चों, इसका पहले पीडीएफ निकाल लो अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो पीडीएफ आएगा 2ax, एक्स 0 से 2 में है बेटा, और फिर इसका मीन निकाल लो, तब भी बहुत आसान है ये। पर लेकिन ए निकालना पड़ेगा पहले, तो पीडीएफ बनाने के लिए एक स्टेप बढ़ गया तुम्हारा, एक तो डिफरेंशिएशन बढ़ गया, एक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ax dx = 1, तो x²/2, तो बाय 2 मतलब a4 ही आएगा, वही है 1/4। हाँ पूछ बेटा। तो भाई हमें चेक करना पड़ता, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, डिस्क्रीट भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता था फिर फंक्शन, फिर ये मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता था बेटा। अरे कर लोगे ना पक्का? हो गया जागृति जी? हाँ चलो गुड, ओके नेक्स्ट। ये ले आ गया तेरा मोस्ट पावरफुल टेस्ट, आ गया तेरा ये क्वेश्चन। अच्छा है यार, मजा आएगा इसको करने में।
क्या क्वेश्चन है यार ये, मतलब कम से कम ये क्वेश्चन अगर नेट में होता तो 4.5 नंबर 4.75 मार्क्स का होता है। बड़ा इजी पर कर लेगा आराम से, देख मैं कराता हूं। पहले तो एक बात बता, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स? एक एक पत्ता धीरे धीरे खोलते हैं, चल। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर थीटा, ओके। तो समेशन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ मेरे बेटा? यहां तो समेशन एक्स है, तो समेशन एक्स का गामा हुआ कि नहीं हुआ बेटा? गामा एन थीटा हुआ ना। हाँ अब रुक रुक, हो गया काम अपना। गामा की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कौन बताता है? गामा की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कौन बताता है? काई स्क्वायर। और क्या पूछ रहा है? प्रॉपर्टी पूछेगा, राइट? पूछेगा ना प्रॉपर्टी यहां पर ये। हाँ मेरे साथ साथ रहे, देख एकदम तू बोलेगा सर मजा आ गया, मैंने नहीं सोचा इतना आसान होगा। तो ये क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है तेरे को, ठीक है? ये तेरे को दिया बेटा, क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है तेरे को, 1 माइनस अल्फा, इससे बड़ा होगा तो रिजेक्ट एच नॉट, ठीक? तो अपने को निकालना है फिक्स पॉइंट गामा, प्रोबेबिलिटी दिस इज गामा, अच्छा ठीक है। देन क्रिटिकल रीजन दिया हुआ है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ओके निकालते हैं। तो अल्फा मतलब प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट इज ड्यू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेगा 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लैम्डा एक्स, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 2 थीटा से, 1/2 काई स्क्वायर 2n1 माइनस अल्फा मेरे बेटा, 2 थीटा xi हो गया हमारा, काई स्क्वायर 2 अल्फा, तो 2n हो गया हमारा, और थीटा हमारा 1 है क्योंकि वी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो एच नॉट ट्रू में थीटा क्या भाई दिया था ना 1, तो 2 से 2 कट गया बेटा जी, तो बचा हमारे पास काई स्क्वायर 2n(1 - α)। और हमारे को यहां कह रहा है कि अगर यहां कुछ भी है, यहां कुछ भी है, इस तरह का रिलेशन है, तो जो ये आंसर है वही आंसर है। तो क्या आंसर 1 - α है? वो 1000 पाजी बोल, रुक तो जा पहले, पहले मेरी बात समझ, पहले बता बात समझ में आई, बोला ना उसने ही बात। तो जो ये 1 - तो मतलब ये 1 - ये तो गलत ही हो गया, पहला वाला तो अल्फा तो है ही नहीं, 1 - α है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये थीटा 2 के लिए ट्रू है, ये 2 तो पहले गलत हो गए ना भाई। बोल भाई। अब चलना है मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज बीटा फॉर द टेस्टिंग। अब बीटा के लिए करते हैं, चल 1 - β पावर ऑफ टेस्ट होता है मेरे बेटा, तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट, वही वाली गल अपनी, समेशन एक्स आई इज ग्रेटर देन 1/2 मेरे बेटा, काई स्क्वायर 2n(1 - α) व्हेन थीटा वो ट्रू, मतलब इसके लिए बना आएगा ना तब भी, व्हेन थीटा h1 इज ट्रू, यही बात है अपनी। तो बेटा फिर से इसको 2 2 थीटा कर, 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ, तो 2 से 2 कटा, थीटा 1 ही था हमारा, तो ये हो गया काई स्क्वायर 2n इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर 2n(1 - α)। ये आया आंसर, आएगा 1, ग्रेटर देन है ना, तो 1 - α ही आंसर आ रहा है फिर से। रुक 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 रुक, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये क्या है? क्रिटिकल रीजन है, रीजन रिजेक्शन। अच्छा बीटा तो डू नॉट रिजेक्ट होता ना यार, रुक जा 1 मिनट, तो 1 - β रिजेक्ट होता है क्या? ठीक है ओके, थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 - β इज इक्वल टू 1 - α आ रहा है। हाँ डू नॉट रिजेक्ट होता ना, डू नॉट रिजेक्ट, तो उसमें तो प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी, समेशन एक्स आई लेस देन लेना पड़ेगा बेटा उसमें, तो 1/2 काई स्क्वायर 2n(1 - α) व्हेन थीटा इज 1, तो वो भी 2 थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 गायब होगा, आंसर इसका लेस देन 1 - 1 - α आएगा विच इज अल्फा। तो यार सी और डी दोनों करेक्ट है क्या? आंसर क्या है देखिए बेटा, डी तो करेक्ट आ रहा, ऑप्शन ए एमएसक्यू एमसीक्यू है। डू नॉट रिजेक्ट, हाँ डी करेक्ट है, डी तो पहले चेक कर लिया मैंने, डी तो चेक कर लिया, देखिए हमारा ये ना 1 - α 1 - β मतलब एक ही बात है, कोई एक ही होगा फिर तो सही।
ये गलत, ये क्यों चेक किया, जल्दीबाजी की ना, यहाँ पर छोटा छोटा टाइम लगाया ना, ढंग से नहीं किया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया शायद तेरे को। किसी और बच्चे, कोई और बच्चा कर रहा है, मैं उसको समझाऊं, किसी को नहीं आया हो तो बेटा नहीं नहीं डरना नहीं था, ये तो दे दिया ना तेरे को आंसर, दे दिया इसका, जो यहां आएगा वही आंसर होगा। अच्छा चलो चलो दोबारा से खेलते हैं एक बार ढंग से बेटा, बोलना है ना बेटा, साथ साथ पार्टिसिपेट कर तो मैं बताऊंगा, उसी स्टेप पे रोक दे मुझे कि नहीं सर मुझे क्लियर नहीं है क्या हुआ, दोबारा से देख मेरे साथ पार्टिसिपेट करना इस बार ढंग से। एक्चुअली क्या क्वेश्चन इतना बड़ा है, मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊंगा तो मुझे दिखी नहीं, बार बार आगे पीछे चलता रहूंगा मैं, दोबारा से देख बेटा तू खुद समझ में आएगा तेरे को बहुत अच्छे से वाला। वी विल टेक वन मोर शॉट लेस दिस। आ पहले बता क्वेश्चन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पहले बता। यस बेटा यहां किसकी क्रिटिकल रीजन में समेशन एक्स आई है, क्या है बेटा ये, तो मेरी बेटिया समेशन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिएगा ना, गामा एन कॉमा थीटा होगा ना बेटा, आई वन टू एन है, गामा की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मेरी बेटिया कौन बताएगा, काई स्क्वायर। यस बेटा तो अब हमसे पूछा है साइज ऑफ टेस्ट, पहला अल्फा, तो अल्फा होता है साइज ऑफ टेस्ट प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट, और रिजेक्ट कब कर रहे हैं मेरे बेटा, अगर समेशन एक्स आई बड़ा है वन बाय टू काई स्क्वायर टू एन वन माइनस अल्फा से व्हेन थीटा इज इक्वल टू वन, करेक्ट है मेरी बिटिया। अब समेशन एक्स आई की जो प्रोबेबिलिटी देगा मेरे बच्चा कौन देगा, मतलब प्रोबेबिलिटी देगा गामा की प्रोबेबिलिटी कौन बताता है बेटा, काई स्क्वायर बनाता है बेटा, कौन बताता है बेटा काई स्क्वायर, कैसे बेटा टू लैमडा एक्स आई, याद है तेरे को फॉर्मूला, अगर एक्स फॉलो करेगा गामा अल्फा लैमडा तो टू लैमडा एक्स काई स्क्वायर टू अल्फा करेगा, तो मेरे बेटा प्रोबेबिलिटी टू लैमडा, लैमडा की जगह थीटा है बेटा यहां पर, तो समेशन एक्स आई, तो दोनों तरफ करो जो काम करोगे, वन बाय टू काई स्क्वायर टू एन वन माइनस अल्फा, और थीटा वन है तो थीटा तो वन हो गया तो कट जाएगा, तो नहीं टू से टू कट गया थीटा भी वन गायब हो गया, ये भी वन गायब हो गया, क्या बचा बेटा अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर टू एन बनेगा ना अब ये, हाँ बेटा टू अल्फा बनता है, अल्फा क्या है हमारा एन है बेटा, ठीक ग्रेटर देन हो गया मेरे बच्चे यहां पर काई स्क्वायर टू एन वन माइनस अल्फा आ गया बेटा, अब इसको देख प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर टू एन ग्रेटर देन काई स्क्वायर टू एन गामा इज इक्वल टू गामा, तो वन माइनस अल्फा लिख दो मेरे बेटा, तो क्या अल्फा वन माइनस अल्फा के बराबर होगा मेरी बेटिया, तो गलत होगी ना ऑप्शन ए वाली, आ गया ना, अब बी में तो थीटा टू है वन माइनस अल्फा लिखा है तो ये भी गलत हो गया, अब इतना क्लियर है आगे चलूं अब, हाँ अब आगे तो फिर आगे हो गया बेटा तेरे को, आगे फिर तो देख आगे तो हो गया, आगे क्या था मेरे बेटा, अब पावर ऑफ टेस्ट बीटा मांग रहा है, बीटा क्या होता है मेरे बेटा, पावर ऑफ टेस्ट नीचे वाला कर रहा हूं सॉल्व, तो वन माइनस बीटा क्या होता है बेटा प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट होती होता ना बेटा, तो एच वन क्या है इस बार हमारे पास वन थीटा इज इक्वल टू, तो वन माइनस अल्फा ही आएगा ना आंसर, तो फिर आंसर ठीक ही आएगा ना, वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा सेम ही हो गया ना, नहीं कराऊं क्या पूरा, अच्छा ठीक ओके करेक्ट है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ये गलत है ठीक है, क्योंकि आंसर वन माइनस अल्फा ही आना है बेटा, तो मतलब वन माइनस अल्फा मतलब वन माइनस बीटा ही सेम एज वन माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है ओके। ये क्वेश्चन ये तो प्रोबेबिलिटी का, मैं कल कराऊंगा इस पे आओ, ये क्या है प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली थोड़ा इजी होता है बच्चे कर लेते हैं, पर लेकिन मेरे को ये करना है, चलो अच्छे क्वेश्चन करने होते हैं, आओ ये तो कर लेते हैं, कहता है अपने को एफ नॉट एफ वन दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप टू एरर भी दी है, तो क्या मांग रहा है भाई क्रिटिकल, ओहो सो क्रिटिकल रीजन हमारा होगा मेरे बेटा एल एच वन अपॉन एल एच नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, लिख दूं बोलो, अरे भाई
तो सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो ऊपर आ गया 2 - 2x अपॉन 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो क्या x इज लेस देन इक्वल टू c आएगा कि नहीं आएगा बताओ आंसर। क्रिटिकल रीजन यही आएगा ना, x इज लेस देन इक्वल टू c बेटा, करके सॉल्व करो ना इक्वेशन को इसको। टू, थैंक यू, बस ये चेक करना था बेटा, इसको सॉल्व कर लेना मेरी बेटिया। 2 - k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x और डिवाइड बाय 2 कर दे तो x इज लेस देन इक्वल टू दिस c, इसको c मान लिया बेटा, ठीक है। क्रिटिकल रीजन आ गया, तो अल्फा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट साइज दिस, तो टाइप 2 एरर बताना है। अच्छा रुक जा, पहले अल्फा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ओके एफ नॉट एक्स, तो c निकालना है पहले, तो 0 से c 1 dx, तो c इज इक्वल टू अल्फा आ गया, तो सी आ गया 0.1, ओके। अब हमें निकालना है पावर ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू आई है तो 1 - बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट एक्स इज लेस देन 0.1 गिवन एच वन इज ट्रू, एच वन की है भाई 2 - h1 इज ट्रू, तो एक्स इज लेस देन 0 से 0.1 2 - 2x। टाइप टू मांगा, सॉरी सॉरी बेटा, ओ मेरे बेटा गलत हो गया। तो आपको मेरी बात तो समझ में आ रही है ना बेटा, डू नॉट रिजेक्ट होता ना इसमें, तो ग्रेटर देन कर दो ना बेटा इसको। हाँ ग्रेटर देन हो गया ना बेटा, सॉरी, तो 0.1 से 2 1 है 1, अरे ग्रेटर देन आ गया ना बेटा, 0.1 से 1 2 - 2x dx, बस निकाल ले आंसर क्या आ रहा है तेरा, बता कर लेना अपने आप ही। अरे भाई 2 × अपर लिमिट - 0.9 -2x² बाय 2, 2 से 2 कट गया x² तो 1 - 0.1 0.9 तो 0.18 - 0.9 ऐसे क्या है कुछ 0.81, ए ऑप्शन करेक्ट है, कर लेना यार ये तो आसान था है ना। आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, देखो आपने बेटे बोला तो मैं कर सकता हूं, दोबारा बता सकता हूं तरीके से, साथ साथ चलेंगे, जो बच्चा साथ साथ बात करेगा हो जाएगा उसका। हाँ पूछ। नहीं, रैंडम सैंपल नहीं है, ऐसे नहीं है, उनका सबका मीन सेम वेरिएंस सेम होगा तो ही आईडी होंगे, रैंडम सैंपल मतलब आईडी हमेशा क्यों होगा भाई। हाँ 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 ऑफ कोर्स, अरे क्योंकि x1 x2 इंडिपेंडेंट है तो x1 + x2 x2 + x3 x3 + x4 x1 + x2 x3 + x4 आर इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर x1 + x2 x2 + x3 है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रॉपर्टी है, कल करेंगे ये तो धमाकेदार भाई, मजा आ जाएगा। क्या है ये, टाइम लगेगा इसमें, कल करेंगे, एक अच्छा सा आसान सा देख लूं कोई, ये अच्छा है भाई, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रैंडम वेरिएबल प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल हैव फाइनाइट एक्सपेक्टेशन, इसमें से किसका फाइनाइट एक्सपेक्टेशन है यह पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, x1 का, 1/x2 का, √x1 का, कि मिनिमम x1 to x2 xn का, वो भी सारे कराऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, परेशान मत होना बिल्कुल भी, एक भी क्वेश्चन के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर से मैं पहले बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए अमृत्य गांठ मार लो एक बार पक्का, x^p निकालना है, क्योंकि p की वैल्यू यहां 1 है या -1 है या हाफ है, तो तीन क्वेश्चन एक साथ सोल्व हो जाते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन x^p बताओ जल्दी से बच्चों क्या आ रहा है आपका, मैं ही बताया था यार, 1 से इन्फिनिटी x^p -2 हो गया है तो करेक्ट है ना, dx तो विच इज p प्लस किया तो -1 अपॉन p - 1 इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी, अगर p - 1 नेगेटिव है तो ही आंसर फाइनाइट आएगा, मतलब p < 1 है, ओहो, सो आंसर इज फाइनाइट व्हेन p < 1,
तो बोलो इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? रूट वाला करेक्ट है इसमें से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल, मुझे आगे करने की जरूरत थी? नहीं, फॉल्स पूछा है क्या? फाइनाइट एक्सपेक्टेशन तो तभी आएगा जब पी लेस देन वन होगा बेटा। तो पहला पहला तो फॉल्स हो गया ना, समझ में आया ना? दूसरा भी, दूसरा ट्रू हो गया यार। पी लेस देन वन में तो माइनस वन तो हो ही सकता है, पर लेकिन एक्स हाँ हो सकता है ना माइनस वन। और तीसरा ट्रू है। चौथा चेक करना भाई, एमएसक्यू टाइप में आया होगा ये। हाँ, अब इसको वाई मान लो, वाई इज इक्वल टू मिनिमम सी डी एफ वाले से। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। एक्स वन एक्स टू एक्स एन, और पहले सी डी एफ निकाल लेते हैं इसका। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी वाई ग्रेटर देन वाई टू द पावर एन है ना। कर लो यार इसको, प्लीज चेक करो ना। एक्सपेक्टेशन निकालना तो आसान होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू जो भी रेंज है वन से इनफिनिटी, वन माइनस एफ वाई वाई कर देना मेरे बेटा, डी वाई। चेक करना आंसर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। हाँ इसमें नहीं बेटा, नहीं, उसके लिए तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, जेंसेंस इनइक्वालिटी जैसा कुछ होना चाहिए। नहीं बेटा, ये समझ में आया तेरे को बेटा? नहीं आया, समझा रही थी। ये तो समझ में आ गया भाई। तो ये देखो ना, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव होगी तभी आंसर फाइनेट आएगा बेटा। तो इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव है तो आंसर फाइनेट होगा, पी लेस देन वन है। तो लेस देन वन वाला करेक्ट हो गया, माइनस वन और हाफ वाला करेक्ट हो गया। अब ये चेक करना है बेटा बस, ये फाइनेट आ रहा है तो बस फिर तीनों ट्रू है भाई, एक फर्स्ट गलत है बस। सभी एन के लिए नहीं आ रहा होगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आ रहा होगा, चेक कर लो पहले एक बार। सभी एन के लिए नहीं आएगा बेटा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ही आएगा सिर्फ। ये एग्जाम में कोई छोटी से छोटी चीज भी मिस मत कर देना आप लोग। मिनिमम फॉर एक्स वन एक्स टू एक्स एन फॉर ऑल ऑल एन ऐसे लिख दे तो ये गलत हो गया। फॉर एन जो दिया हुआ है उसके लिए ट्रू है बस ये। चेक कर लो बेशक अपना एक्सपेक्टेशन निकालने के बाद, नहीं तो मैं कराता हूं। तो तुम्हारा एफ वाई वाई आ जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी वन माइनस वाई टू द पावर एन। तो एक्सपेक्टेशन आ गया वाई टू द पावर एन सिर्फ। सो वन से इनफिनिटी वाई टू द पावर माइनस एन आ गया डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन किया माइनस एन प्लस वन अपॉन वन माइनस एन, लिमिट वन से इन्फिनिटी। तो माइनस एन प्लस वन नेगेटिव होना चाहिए, सो माइनस एन प्लस वन शुड बी लेस देन जीरो। तो माइनस एन शुड बी लेस देन माइनस वन, मतलब एन से एन कटा, एन शुड बी ग्रेटर देन वन। यस, सो दिस इज फाइनाइट, मतलब फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू। अरे ठीक है भाई बच्चों। तो आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन किए हमने, इनके सॉल्यूशन ढंग से बनाओ रात को बैठ के ना, लिखो अपने पास कॉपी में ढंग से करो इनको, नहीं हो तो फिर पूछना मेरे से। ये सारा एक एक क्वेश्चन होगा इसका, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारे सॉल्व कराऊंगा जो आप बोलोगे। 60 में से लगभग कितने क्वेश्चन है ये? 48 क्वेश्चन होंगे ये, 42, 42, 42 क्वेश्चन है। मतलब हम पहली क्लास में लगभग आज 12-15 तो कर लिए होंगे हमने। ठीक है, बाकी करते हैं सारे। अगर किसी को पीडीएफ की स्क्रीनशॉट लेनी है तो ली थी सबने? चलो जी फिर मिलते हैं। हाँ मैं बेटा 20 तो बहुत इजी होता ना थोड़ा सा, तो 21, 22, 23, फिर 20 कहेगा, फिर 19 कहेगा, उसमें भी आ जाएंगे, उसमें कोई दोराई नहीं है। हाँ वो इजी है थोड़े से।
20 से पहले का अलग तरीका है, 21 के बाद का अलग तरीका है। तो मैं 21 से इसलिए स्टार्ट किया कि शुरू से थोड़ा सा आप लोग फॉर्म में आओ, क्योंकि 21, 22, 23 कर लिया तो आपसे 20 वाले तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, हो जाएंगे आराम से। ठीक है भाई, तो प्लीज आइएगा, सब बच्चों को बोलिएगा आइएगा, ऐसे पार्टिसिपेट कीजिएगा एक्टिवली, कोई बात नहीं समझ में आए पूछिएगा जरूर प्लीज। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर। ओके जी, बाय बाय।